नमस्कार, स्वागत है टूडे न्यूज में आपका। आपके साथ मैं हूं गीता शर्मा। दिखाते हैं आज आपको एक और खुलासा राम रहीम को लेकर जो हो रहा है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो आपको चौंका देगा और साथ ही हैरान भी कर देगा। चलिए दिखाते हैं आपको राम रहीम का सब्जी वाला सीक्रेट। राम रहीम सब्जी भी बेचता था, लेकिन उसे आप सब्जी का छोटा व्यापारी मत आंकिएगा। राम रहीम का सब्जी वाला सीक्रेट जान लेंगे तो यही कहेंगे, बाप रे बाप, बच गए। सब्जी तो लेते होंगे आप, सब्जी जरा महंगी हो तो सब्जी वाले से मोल भाव भी करते होंगे। कितनी महंगी सब्जी ली है आपने? 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, चलिए 500 रुपए किलो ही ली होगी। लेकिन सब्जी की हाईफाई दुकान से आप कोसों दूर हैं। ये बाबा का वो सब्जी वाला सीक्रेट है जिसने बाबा पर धन ही धन बरसा दिया। आज बाबा का ये सब्जी वाला सीक्रेट जब आपके सामने आएगा तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बाबा का दिमाग मटर के दाने में भी प्रॉफिट ढूंढ लेता था, क्योंकि अंधविश्वास में अंधे भक्त बाबा के हाथ को प्रसाद और बाबा की दृष्टि को आशीर्वाद समझते थे। राम रहीम के सब्जी वाले प्रसाद को चख लेते थे और अब रो रहे होते, क्योंकि बाबा अपने गुनाहों का आशीर्वाद और प्रसाद दोनों ही जेल में खा रहा है। तो आइए अब आपको बाबा की मंडी में लिए चलते हैं, बस अपनी जेब को जरा संभाल लीजिएगा। बाबा का डेरा जितना आलीशान और शानो शौकत वाला था, बाबा की मंडी को भी कुछ कम मत समझिएगा। पेन और पेंसिल निकाल लीजिए, और सब्जियों के दाम लिखना शुरू कर दीजिए। और हां, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि भाव किलो का है। आ जाइए मंडी में। बाबा का बैगन कीमत 2000 रुपए, बाबा की एक मिर्ची कीमत 1000 रुपए, बाबा के 10 मटर के दाने कीमत 2000 रुपए, बाबा के हाथ से गोभी कीमत 2500 रुपए, बाबा का पपीता कीमत 5000 रुपए। दिमाग सटक जाएगा पूरी लिस्ट पढ़ ली तो। गुरमीत राम रहीम अपने भक्तों को सोने के भाव से सब्जियां बेचा करता था। दुनिया की किसी सब्जी मंडी में इतनी महंगी सब्जी नहीं बिकती होगी जितनी राम रहीम के कुछ अंधभक्त खरीदते थे। अंधभक्ति ऐसी थी कि बाबा के बाग की सब्जी का स्वाद हर कोई चखना चाहता था। परिवार के एक सदस्य को भी हजारों की कीमत का मटर का एक दाना मिलता तो वो खुद को धन्य समझता। राम रहीम बकायदा इन सब्जियों का पैकेट तय करता था। अंधभक्तों को खुद भगवान बताकर राम रहीम ने करोड़ों रुपया कमाया और यही रकम अपनी अय्याशी के महलों में लगाई। कैसे करता था राम रहीम सब्जी वाला ये खेल, बताएंगे आप। राम रहीम के हाथ से जो सब्जी लग जाती थी वो परमात्मा का प्रसाद हो जाती थी। यही थी राम रहीम की सब्जी वाली मार्केटिंग पॉलिसी। राम रहीम का ये सब्जी वाला सीक्रेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बाबा ने आस्था और धर्म का चोला ओढ़कर हर चीज में प्रॉफिट ढूंढ लिया था। राम रहीम की मार्केटिंग उसे घंटों में करोड़पति बना रही थी। बाबा के राजदार हंसराज ने राम रहीम का ये पूरा सब्जी वाला सच बताया। हाँ, ये बाबा एक हाई लेवल पे ब्लॉग इकट्ठे करता था
ब्लॉक मीन्स जैसे एक स्टेट की तीन जैसे डिस्ट्रिक्ट बुला लिए, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब से, तो ऐसे तीन तीन बाबा बुला लेता था, डिस्ट्रिक्ट बुला लेता था, तो उसको बोलते थे ब्लॉक। अब एक डिस्ट्रिक्ट में आसपास के गांव भी सारे आ जाते थे, तो लाखों में लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे कि आज बाबा अपने हाथ से सब्जी दे रहे हैं, तो अपने हाथ से ऐसा कुछ दे रहे हैं। तो एक्चुअल में सब्जी जैसे फूल गोभी होगी, पालक हो गया, और बाजार से गुड़ भी मंगा लेते थे 15-20 किलो, तो उसको बाबा अपने हाथ से एक टोकरी में सजाता था। टोकरी बहुत बढ़िया आर्टिफिशियल बहुत बढ़िया होती थी, फैंसी टाइप में, तो उसके ऊपर कुछ रंग बिरंगी चीज़ें लगा देता था ताकि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन मिले उससे, तो अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसा उसने पूरा सजावट करता था। राम रहीम ने सब्जियों के पैकेट बनाकर उसकी बोली लगवाई, जिसकी बोली सबसे ज्यादा ये सब्जी की टोकरी उसकी। उसके बाद पहली बोली उठती थी एक ब्लॉक से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टोहाना से लोग मेरी सिटी से भी यहाँ गए थे, तब मैं वहीं पे था, तो उन्होंने बोला कि 1 लाख की अभी ये सब्जी है, 1 लाख की बोली होगी। तो जैसे रतिया ब्लॉक है, हरियाणा का ही है, तो वो कह रहे कि हम तो 2 लाख देंगे और हम ये अपने ब्लॉक में लेके जाएंगे। तो फतेहाबाद ब्लॉक बोलता है कि हम 3 लाख देंगे। तो राजस्थान यूपी में सब में कंपटीशन हो जाता था एक बहुत बड़ा हाई लेवल का। तो करते करते ये 10 लाख 20 लाख 30 40 50 60 70 80 90 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक ये बोली पहुंच जाती थी, हाई लेवल में पूरी पहुंच जाती थी। तो जब 3 करोड़ तक ये पहुंच जाता था तो बाबा कहता था हाँ ये ब्लॉक तो हाना मतलब लाइक ये मतलब फर्स्ट आ गया, तो उसको 3 करोड़ में सब्जी दे दो। अब जो पिछला ब्लॉक था 2.95 था, 2.95 करोड़, इनको भी दे दो, इन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई है, इनकी भी हमारे अंदर अपार श्रद्धा है। अब 2.90 वालों को भी दे देता था, 2.85 को भी, 2.80, 2.75, और इस तरह से एक या डेढ़ घंटे के अंदर बाबा 15 से 20 करोड़ रुपया कमा लेता, कोई हिसाब था भी नहीं था किसी का। राम रहीम लोगों को बताता था कि वो भगवान है और उसके हाथ से दिए गए 5,000 रुपए के चावल के दाने कैंसर को दूर कर देंगे। इस तरह से सब्जी बेची जाती थी या कुछ और भी? देखिए ये सब्जी वही होती थी जो बाबा उनको 20-25 किलो की सब्जी होती, टोकरी होती थी। अब मैं गुड़ की बात कर रहा था, अब जैसे गुड़ ले आए तो ये अपने ब्लॉक में आ गया। अब उस गुड़ का क्या किया, जो यहाँ के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो 45 मेंबर्स आगे होते हैं उनके आगे फॉलोअर्स होते हैं, तो उस गुड़ का उन्होंने जैसे राइस बना लिए। तो अब घर में राइस लेके जाते हैं एक बड़े बर्तन में डाल के, बड़े पोट में लेके, तो एक ही चम्मच दिया और 5,000 रुपया ले घर जाके कि बाबा जी की सब्जी है, बाबा ने हाथ लगाए हैं, बाबा ने दृष्टि डाली है, बाबा ने इसके ऊपर कैंसर वाले वचन किए हैं कि इसके खाने से कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, इसके खाने से आपकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, आपके घर बेटा पैदा हो जाएगा, तो इस तरह से समझ बात दिखाया। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब गुरमीत राम रहीम जेल की 4 दीवारी के पीछे है और उसको बाग की सब्जियां नहीं बल्कि जेल की सूखी रोटियां परोसी जा रही हैं। विसाधकों ने बताया कि यहां बोली लगाई जाती थी, करोड़ों में सब्जियां बेचने का काम होता था, लेकिन असल में ये पूरी प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग होती थी आस्था की। आस्था जो अंत भक्तों में थी राम रहीम के लिए, और इसी के नाम पर राम रहीम पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। अपने साम्राज्य में सब्जी उगाने के नाम पर भी उसने आस्था के नाम पर लोगों को खूब लूटा, उन्हें सब्ज बाग दिखाए, ये कहा कि इससे कैंसर जैसी बीमारियां तक ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था, लोग झांसे में आ गए। आस्था और विश्वास के नाम पर राम रहीम के हाथों से लगी, उनके हाथों से मिली सब्जी को भगवान का प्रसाद माना और फिर पैसों को उनके नाम कर वहां से चले आए, और आकर यही बताया कि राम रहीम से बड़ा इंसान भगवान के पास भी शायद नहीं होगा, और भगवान का भेजा वो दूत है जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा काम कर रहा है। तो इस तरह से पूरा खेल चल रहा था। ये है राम रहीम की सब्जी वाली मार्केटिंग पॉलिसी।